भी कुछ यहाँ पर गाड़ियाँ लगी होती है, मतलब बहुत तंग तंग गलियाँ हैं, तो आदमी भी सड़क के बीचों बीच ही रहते हैं, हटते नहीं है। तो भाई देख सकते हो वहाँ पर दो लोग चित्रकारी कर रहे हैं, ये देखिए। तो गाइस हमारे साथ है हमारे मामू जान, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी को पहले से गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 8:30, तो अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, तो अब निकल रहे हैं हम अगले सच की ओर। तो देखते हैं इसके बाद के क्या नज़ारे रहते हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पर लगी है अपनी गाड़ी, तो यहाँ पर देख सकते हो सड़क के किनारे में, तो यहाँ पर रूम है, तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, देख सकते हो हमारे भाई साहब, तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो गाइस निकल चुके हैं हम रूम से, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गाड़ी के पास। तो गाइस ये लगी अपनी बिल्लो, तो आज इसको हम छोड़ेंगे बॉडी लगाने के लिए, तो देख सकते हो आप एक बार। तो गाइस बैठ गए गाड़ी के अंदर, तो हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो फूल लगे थे तो हमने ये सूख गए, तो हमने इनको यहाँ निकाल दिया, तो इनको किसी नदी में बहाएंगे। तो अभी धूप हल्के हल्के लग चुकी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर घर है, तो घर की वजह से यहाँ पर धूप नहीं आ रही है, तो निकलते हैं अब थोड़ी देर में, मिलते हैं आपसे आगे ही। तो गाइस निकल चुके हम, तो आज हम गाड़ी को छोड़ देंगे, तो अपनी एक हमारी फ्रेंड तो उनसे भी मिलवाएंगे आज, तो इस तरह भी कुछ यहाँ पर गाड़ियाँ लगी होती, मतलब बहुत तंग तंग गलियाँ हैं, तो आदमी भी है सड़क के बीचों बीच ही रहते हैं, हटते नहीं है साइड में। तो पहुँच के कैची मोड़ी देख सकते हो, कहाँ बना रहे हैं भाई बाइक वाले। तो भाई बस स्टैंड में पहुँच चुके हम, यहाँ से लगाएंगे बॉडी। तो ये हमारे भाई सौरव भाई का घर, तो इनके पिताश्री बॉडी का काम करते हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी गाड़ी एक लगी है, तो एक पीछे लगी है, तो इनसे बॉडी लगाने देंगे हम अपनी गाड़ी में। भाई देख सकते हो यहाँ पर आप मशीन के ऊपर, यहाँ पर पूरा पहाड़ गिर गया, तो यहाँ पर काम चला था, तो यहाँ पर देख सकते हो हम जा रहे हैं कॉलेज की साइड, यमन के साथ उसका काम भी था हमारे साथ कल से, तो हम इसका काम भी करेंगे अब कॉलेज में। तो गाड़ी जा चुके हम अपनी गाड़ी को छोड़ के, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो साथ में यमन जी हमारे, तो जा रहे हैं बस स्टैंड की साइड, तो देखते हैं। तो गाइस पहुंच गए हम बस स्टैंड में, यहाँ पर देख सकते हो आप, गाइस जा रहे हैं हम अपने फ्रेंड के रूम में, तो हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे ये हमारे भाई है। तो गाइस निकल चुके हैं रोड में, तो जा रहे हैं हम कॉलेज की साइड, तो ये देख सकते हो आप बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आएंगे थोड़ी देर में हम, हमारे साथ यमन जी हमारे बहुत ही बढ़िया। तो गाइस पहुंच गए हम मोगेश्वर महादेव के मंदिर के पास, तो उससे निकल रहे हैं कॉलेज की साइड, तो देख सकते हो आप हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हो अशोक कोटलो से लड़कियां यहाँ पर, ए वाली लड़की सी थी। तो गाइस कॉलेज के अंदर पहुंच गए हैं, तो बैठे हैं यहाँ पर भाई साहब हमारे पहुंच पा रहे हैं, तो देख सकते हो आप। तो गाइस देख सकते हो आप वहाँ पर दो लोग चित्रकारी कर रहे हैं, ये देखिए इनकी कलाकारी बहुत बढ़िया। जा चुके हैं हम कॉलेज के बाहर, तो यहाँ ग्राउंड में बैठे हैं, तो इधर देख सकते हो आप नलवाड़ी का काम लगाया है। तो गाइस आ गए हम कॉलेज से बाहर, तो यहाँ देख सकते हो आप मेले का कार्यक्रम लगा है, मतलब 1 तारीख से मेले यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत बढ़िया जोर शोर से काम चला है। तो गाइस हमारे साथ है हमारे मामू जान, तो अभी हम फ्रेंड है इंतजार कर रहे हैं, तो सुबह से लेकर हालत ख़राब होती है। तो गाइस आ चुके हैं कैंटीन के अंदर, तो हमने कुरकुरा लेज ले लिया खाने के लिए, तो भूख लगी थी तो उसको खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस 4 बज चुके हैं, तो अभी तक हम बैठे हैं, तो इंतज़ार कर रहे हैं किसी का आने का, तो बहुत ही बोर हो गए हम, तो भी निकलेंगे थोड़ी देर में, देखते हैं क्या नज़ारे रहते हैं, क्या सीन रहते हैं। फुल पाओ थोड़ी एनर्जी लेवल, हाँ थोड़ी एनर्जी लेवल लो है मेरी, क्योंकि सुबह का थोड़ा सा खाना खाया है, तो अभी कुछ ऐसे भी रात को लेट सोए थोड़ी बातें कर रहे थे, तो उस लोगों के साथ चल करके। तो भाई निकल चुके हम नीचे से, तो साथ में यमन से, तो हमने बहुत देर इंतजार किया लेकिन वो आए नहीं। भाई गोलगप्पे खा रहे हम यहाँ पर, देख सकते हो आप बिल्कुल ताजे, और यहाँ पर देख सकते हो और भी यहाँ पर हमारे दीदी का घर नीचे, सिस्टर का, यहाँ देख सकते हो आप यहाँ पे नीचे। तो अभी तो भाई पर लग के थोड़ा पास आगे से, तो हमने एक अंकल के पास गोलगप्पे खाए, तो उन्होंने हमसे 50-50 रुपए लिए, तो यानी कि 12 पीस थे उसमें,
तो बहुत ज़्यादा लिए, मतलब कि 100 रुपये ले लिया उन्होंने 12 पीस कम से, मतलब 24 पीस मान के चलो, अब 24 पीस का उन्होंने हमसे 100 रुपये लिए। तो मतलब गलत बात है यार, इतना मत करो। तो अभी हम आए हैं सोनू भाई के पास, तो उनके पास समोसे नहीं है तो हम खा रहे हैं अभी, उनको हमने ऑर्डर दे दिया पकौड़ों का, यानी बहुत बढ़िया पकौड़े इनके, टेस्ट करते हैं एक बार। तो फिर निकलते हैं रूम की साइड। फिर अब लास्ट का दिन तो ऐसे बेकार ही था, मतलब कोई मिशन पूरा नहीं हो पाया ना हमसे कोई। ये देख सकते हो हमारे सोनू भाई, और इनके हाथों में वही स्वाद है अभी भी। तो इनकी शॉप दिखा लेता मैं एक बार आपको बाहर से, ये देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हो सोनू भाई हमारे। तो गाइस निकल चुके हैं रूम की साइड, तो हमने यहाँ पर थोड़े से पकौड़े पैक कर लिए भाई से। तो भी शाम भी काफ़ी हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे अब रूम में। तो गाइस देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया। ये देख सकते हो, ये खाली बोतलों से बनाया है, ये देख सकते हो आप कितना प्यारा, बहुत ही शानदार। मतलब कांगड़ा में इस तरह के काम बहुत से होते हैं, क्यों यमन जी? बिल्कुल, बहुत बड़ी दोस्तों। तो खाली वेस्टेज बोतल जो होती है, बोतलें उनका बनाया। तो कांगड़ा में भी बहुत से, मतलब ऐसी जगह हमने देखी ना, मस्त। निकल चुके हैं हॉस्पिटल के पास से, इस तरह का कुछ रोड या दोस्तों थोड़ा कच्चा। तो आज अपनी गाड़ी को बहुत याद कर रहे हैं हम, अभी वो 1-2 तारीख को तैयार होगी, तो उतने में उसके भी ना रहना पड़ेगा मुझे।